हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योगी ऑटोमोबाइल्स। और गाइस, आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का फेसलिफ्ट वर्जन। गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस गाड़ी का फुल वॉक अराउंड रिव्यू, क्या कुछ आपको पर्टिकुलर मॉडल में मारुति फीचर ऑफर करती है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। बात करो इस गाड़ी के शोरूम कॉस्ट की, 8.29 लाख की एक शोरूम कॉस्ट हो रही है शेड्यूल लोकेशन पे। और अभी हमें शिव मोटर्स शेड्यूल पे इस गाड़ी की रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो डीलर नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, फटाफट जाइए अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए फॉर फर्दर इंक्वायरीज। एंड वहीं बात करें इस गाड़ी के माइलेज की, तो आपको यहाँ पे जो है ना 24.8 kmpl की यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी की माइलेज, जो कि प्रीवियस से मतलब जो पहले वाली स्विफ्ट थी उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे माइलेज मिलने वाली है। एज वेल एज आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल टोटली ही चेंज कर दी गई है। मतलब यार पूरा मतलब मारुति की मिनी कूपर लग रही है भाई ये, तो एकदम मतलब सामने देखेंगे ना तो मिनी कूपर वाली फीलिंग तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आने वाली है। एंड वहीं फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक एलिमेंट्स में आपको जो है ना फ्रंट व्हील्स अवेलेबल हो जाती हैं। एंड ये देख लीजिए, यहाँ पे सुजुकी ब्रांडिंग लोगों को आपको यहाँ पे मिड में मिल जा रही है। और बात करूँ अगर मैं हेडलैम्प्स की, तो आपको यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प प्रोजेक्टर ऑफर करे गए हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है ना डीआईएल कुछ इस तरीके से मिल जाती है। फ्रंट में अगर साइड इंडिकेटर की बात करूँ तो साइड इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पे प्लेस हो जाती है, पर एक चीज की कमी लग रही है यार, जेड एक्स आई वेरियंट है पर आपको यहाँ पे जो है सेकेंड टॉप वेरियंट में फॉग लाइट नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैक टेप फिनिशिंग में फ्रंट स्किड किट भी अवेलेबल हो जाती है। और सामने का बोनेट भी काफी यहाँ पे जो है ना, मैंने जैसे मेंशन करा कि मिनी कूपर जैसे लग रही है, पर सच में सामने से देखेंगे ना तो वैसे ही कुछ आपको यहाँ पे फील होने वाली है दोस्तों। एंड साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो साइड प्रोफाइल भी लगभग लगभग सेम है पहले स्विफ्ट की जैसे ही, पर जो चेंजेस है आपको सीधा फ्रंट में ही देखने को मिलती है। वहीं मैं टायर्स की बात कर लूँ तो ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, आपको यहाँ पे 15 इंच के टायर्स अवेलेबल हो जाती हैं, साथ ही आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के अलॉय व्हील मिलने वाली है। फ्रंट में आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड डिस्क मिल रही है और रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक ऑफर करा गया है। इवन ग्राउंड क्लियरेंस भी देखेंगे तो आपको सफिशियंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इस गाड़ी में ना कुछ डीलरशिप ने यहाँ पे कुछ एसेसरीज लगा कर रखा है, जैसे कि साइड बीट, तो आप यहाँ पे एज अ एसेसरीज आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, ये गाड़ी के साथ आपको फिटिंग से नहीं मिलती है। इवन अगर मैं बात करूँ ओआरएम की, तो आपको यहाँ पे बॉडी कलर ओआरएम भी साइड इंडिकेटर के साथ आपको यहाँ पे ऑफर करेगी गाइस, जो कि देखने में काफी प्यारी लग रही है। और एक एसेसरीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी जो कि है ये रेन वाइजर, तो रेन वाइजर आप एज एसेसरीज भी आप यहाँ पे जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं एज ए डीलरशिप से। और एक अच्छी बात देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना डोर हैंडल आपको बॉडी कलर मिलती है और ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों साइड ही आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर करा गया, जो कि बहुत सही चीज है। इवन वही बात करूँ रूफ की, तो आपको यहाँ पे शार्क फ्रंट एंटीना सेकंड टॉप वेरिएंट में नहीं किया गया, डिसअपॉइंटिंग है। एटलीस्ट यहाँ पे आफ्टर फेसलिफ्ट आपको यहाँ पे शार्क फ्रंट एंटीना देना चाहिए था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाइस ऑफर करी गई है। और स्पॉइलर जैसे कि फिर स्विफ्ट में स्पॉइलर बहुत प्यारी लगती है, पर कंपनी को पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता यहाँ पे आपको जो है ना स्पॉइलर नहीं दिया गया है। और वहीं रियर व्हील सील्ड अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो है वाइपर वॉशर डिफॉगर तीनों चीज़ ही आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और ये देख लीजिए टेल एंटीना, एटलीस्ट शार्क फ्रंट एंटीना देना चाहिए था। एंड रियर डोर में आप देखेंगे तो स्विफ्ट की ब्रांडिंग लोगो, सॉरी ब्रांडिंग लोगो नहीं है, स्विफ्ट की भी आपको यहाँ पे एम्बलम मिल जाती है, स्विफ्ट की ब्रांडिंग लोगो आपको यहाँ पे मिड में दिया गया है। और वहीं बात कर लूँ टेल लाइट की, तो आपको यहाँ पे जो है ना फुल्ली एलईडी टेल लाइट मिलने वाली है और साइड इंडिकेटर का भी गाइस प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, बैक लाइट भी आपको यहाँ पे ही प्लेस मिल जाती है और काफी अच्छा लग रहा है यार देखने पे इसकी जो टेल लाइट है। एंड रियर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे रियर में ना 4 पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हो जाते हैं, पर आई थिंक रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। और एक चीज आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे नीचे लगी हुई है, पर रियर स्क्रीन प्लेट आपको पर्टिकुलर वेरियंट में नहीं दिया गया, जबकि सेकेंड टॉप वेरियंट है यार, एटलीस्ट यहाँ पे जो है ना रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलना चाहिए था, बट गाइज आपको यहाँ पे जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलती है। अब बात करें अगर इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस सफिशियंट मिल जाती है, उतना कुछ खास है नहीं, देख लीजिए बूट स्पेस 268 लीटर का आपको यहाँ पे मिलती है, सेम आपको यहाँ प्रीवियसली जो अपनी जो फेसलिफ्ट की पहले जो स्विफ्ट थी वो भी उसमें भी 268 लीटर का ही बूट स्पेस मिलता था, पर हाँ यहाँ पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे दिया गया है। और रियर सीट की बात करूँ तो रियर सीट आपको यहाँ पे 60-40 स्पीड में दी गई है। एक्सटेस पर व्हील की बात करें गाइज, तो एक्सटेस पर व्हील आप देखेंगे तो आपकी यहाँ पे प्लेस्ड है नीचे, तो सही है वहाँ पे काफी जगह मतलब फेसिंग है तो बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे प्लेस्ड मिल जाती है। तो उससे पहले चलो कर लेते हैं इस डोर को। सो गाइज ये तो था एक्सटीरियर, अगर मैं बात करूँ वहीं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी आपको काफी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाती है।
एंड ड्राइवर साइड की डोर हैंडल देख लो, आपको यहाँ पर जो है ना रिक्वेस्ट सेंसर के साथ अवेलेबल हो जाती है। और को ड्राइवर साइड भी मैंने दिखाया, इधर भी आपको को ड्राइवर साइड में भी रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल होती है। एंड वही ड्राइवर साइड की डोर ट्रिम अगर बात कर लूँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से मिल रही है। तो डोर ट्रिम देखिए, थोड़ा सा प्रीवियसली चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि ये जो मोमेंटम आप देख रहे हैं पहले ये नहीं आता था, बट अभी फेसलिफ्ट में आपको मिल रही है। और ये देख लीजिए सिल्वर एसेंस आपको ऑन डोर में मिल जा रही है। और इंटरनल डोर हैंडल की बात करूँ तो सिल्वर एसेंस के साथ आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। फोर विंडो पावर कंट्रोल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ऑटो डाउन एंड ऑटो अप आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड की सीट मिलने वाली है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको यहाँ पे जो है ना वार्म अवेलेबल हो जाती है। बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट है गाइज, और ये रहा स्पीकर की प्लेसमेंट। वहीं स्पीकर की बात करूँ तो फोर स्पीकर दो ट्विटर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और इंटीरियर की बात करूँ तो आपको फुल्ली ब्लैकआउट फिनिशिंग में आपको यहाँ पे जो है ना इंटीरियर मिलने वाली है। पर उससे पहले देख लें हम सीट, और यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रही है। और एक्चुअली ये जो एसेसरीज यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सीट कवर इन्होंने लगा के रखा है जो कि डीलर से ही लगाया गया है। पर वहीं अपन अपोस्ट्री की बात करें तो आपको यहाँ पे फैब्रिक अपोस्ट्री मिलने वाली है। और यार सीट कवर भी देखो काफी डिजाइन के साथ अब की बार इसकी आई है। कुछ यहाँ पे देखेंगे कटआउट, ये वाला भाग जो है ना पूरा आपका ये ओपन है, और बाकी यहाँ पे आपको सीट कवर मिलने वाली है। एंड वहीं सीट की बात करूँ ड्राइवर साइड की तो हाइट एडजस्टेबल मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, जो टेक्साई है तो होना ही चाहिए था। इवन यहाँ देखेंगे बूस्ट बटन स्टार्ट आपको मिल जाती है, यहाँ पे सिल्वर एसेंस के साथ मिल रही है। आइडल स्टॉप एंड स्टार्ट बटन एंड हेडलैम्प लेवलर गाइज आपको यहाँ पे दिया गया है, और ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन आपको यहाँ पे दी गई है। सो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहां जाके बात करते हैं क्या कुछ आपको यहाँ पे चेंजेस करी गई है स्विफ्ट फेसलिफ्ट में। सो लेट्स गो गाइज। सो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं इंटीरियर पे स्विफ्ट के, और इंटीरियर पे आती कुछ इस तरीके से आपको जो है ना स्टेयरिंग मिलने वाली है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है। इवन यहाँ पे जो है कॉलिंग कंट्रोल्स वॉइस कमांड आपको मिल जा रही है ऑन स्टेयरिंग। और बात करें मिड में तो आपको यहाँ पे सुजुकी ब्रांडिंग लोगो मिल जा रही है। वहीं लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स एंड बस मूड चेंज करने का ही, मतलब ऑडियो कंट्रोल्स कर सकते हैं मूड चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रही है। एंड लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना वाइपर वॉशर डिफॉगर कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। और वहीं राइट साइड में आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको यहाँ पे जो मिल जा रही है हेडलैम्प कंट्रोलिंग मिल रही है, और ऑटो हेडलैम्प्स अवेलेबल है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इवन वही मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, तो गाइज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से मिल रही है, लगभग लगभग पहले जैसे ही नहीं, पहले जैसे नहीं मिल रही, थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पे जो है ना मिलने वाली है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आरपीएम मीटर मिल जा रही है, मिड में आप देखेंगे तो टीएफटी है, और टीएफटी पे आपको मल्टी फंक्शनिंग है, मतलब आउटडोर की आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर दिखाएगा, टाइमिंग दिखाएगा, फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ पे ही सो होने वाली है, और रेंज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और अपने स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके से है, और देखने में काफ़ी क्लासी लग रही है, बड़ा प्रीमियम लग रहा है। पर इनके जो कंट्रोलिंग से दोस्तों आपको यहाँ से ही मैनुअली ही करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बटन्स आपको यहाँ पे मैनुअली, मतलब बटन्स आपको अवेलेबल्स नहीं होती हैं। एंड वहीं बात करूँ अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो जी हाँ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रही है, जो कि आपको VXI से ही मिल जाती है। साइज की बात करूँ तो 7 इंच की है, और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये स्विच के कनेक्ट के साथ आती है। बाकी एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी की बात करें तो ऑटो एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एक्सेट्रा सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एवरेज दिखा रही, फ्यूल इकोनॉमी, तो मतलब मल्टी फंक्शनिंग आपकी गाड़ी रन कर रही है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे ही मिलने वाली है। और एक्साइटिंग चीज़ की है तो बस वही यार सुजुकी कनेक्ट के साथ ये मिलने वाली है। और मिड में आप देखेंगे तो सिल्वर एसेंस आपको यहाँ पे जो है ना ऑन डैशबोर्ड मिल जाती है गाइस, जो देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है ब्लैक के साथ। एंड यहाँ पे देखेंगे तो एसी विंड्स अवेलेबल है, मिड में आपको हजार लाइट का बटन, डाउन आते हैं तो ऑटो एसी अवेलेबल है ZXI वेरियंट में। एंड ऑटो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रही होगी। और एक चीज़ एक्साइटिंग यहाँ पे ये चीज़ हुआ है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट तो है ही है, USB चार्जिंग पोर्ट भी है, बट अब आपको ZXI में वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल हो जाती है गाइस। और ये देख लीजिए ट्विन का फोल्डर्स, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है ZXI का, आप चाहे तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी परचेस कर सकते हैं। गियर नॉब आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के गियर बॉक्स है, और इस सराउंडेड आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लेदर कवर्ड मिल जाती है। पर फिर से एक चीज़ की कमी, आर्मरेस्ट नहीं है ZXI वेरियंट में, एटलीस्ट आर्मरेस्ट तो देना चाहिए था, पर वो चीज़ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। पर यहाँ पे देख लीजिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, दो नहीं एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल रही है, और यहाँ पे एज यूजल हैंड ब्रेक। तो एटलीस्ट यार यहाँ पे जो है ना आर्मरेस्ट तो देना चाहिए था आफ्टर फेसलिफ्ट, पर इनने यही नहीं करा। और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से जिगजैग मूवमेंट आपके यहाँ पे मिल रही है। और ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ग्लोब बॉक्स थोड़ा सा अभी स्टोरेज वाला है, अच्छा है, पहले थोड़ा सा कम था पर अभी स्टोरेज आपको मिल जा रही है। वहीं बात करूँ सनवाइजर्स की, को ड्राइवर साइड तो वैनिटी मिरर के साथ आती है दोस्तों, और ड्राइवर साइड आप देखेंगे तो टिकट होल्डर के साथ आपके यहाँ पे मिलने वाली है।
रीडिंग लाइट्स अवेलेबल है, माइक प्लेसमेंट आपको यहाँ पे, और डे एंड नाइट IRVM आपको कुछ इस तरीके से प्लेस्ड मिल जाती है। सेफ्टी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 6 एयर बैग आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि स्विफ्ट जब फेसलिफ्ट आई है तो ये चीज स्टैंडर्ड हो गई है, तो 6 एयर बैग तो डेफिनेटली मिलने वाली है। और वहीं सेफ्टी की बात करूँ दोस्तों तो 4 स्टार की रेटिंग आई है भाई, लेके आई है, मतलब 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है स्विफ्ट में। सो गाइस ये तो था फ्रंट कैबिन, अब चलते हैं रियर सीट पे, वहां जाके बात करते हैं क्या कुछ चेंजेस रियर सीट में करे गए हैं। सो लेट्स गो। अगर मैं बात करूँ रियर सीट के स्पेस की, तो रियर सीट में तो भाई हमेशा से ही रहा है स्विफ्ट के काफी स्पेस, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इवन डोटरिंग की बात करूँ रियर की, तो लगभग लगभग आपको यहाँ पे सेम ही मिलती है, कुछ डिफरेंस नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे। देखेंगे डोर हैंडल आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्टेड मिल रही है, पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको वहाँ पे दी गई है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे, वहाँ जाके देखते हैं कितना अपने को स्पेस मिलने वाली है। और स्पेसेस तो है गाड़ी नो डाउट, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अंदर आ चुका हूँ और नी स्पेस की बात करूँ तो नी स्पेस भी है आपको यहाँ पे, लेग रूम भी आपको यहाँ पे बढ़िया मिल जाती है, लेग रूम के लिए भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी है। पर ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा साइड थाई सपोर्ट आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, बट ये चल जाएगा, इतना कुछ ज़्यादा कम नहीं है। एंड रियर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना रियर एसी विंड अवेलेबल है, जिसकी एडजस्टिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पे दी गई है। पर एक चीज़ की कमी लग रही है यार, एटलीस्ट यहाँ पे ना आर्मरेस्ट होना चाहिए था यार, बहुत प्यारा लगता आर्मरेस्ट अगर होता तो, बट वो नहीं मिलने वाली है। और एक चीज़ रियर से आप देख लो डैशबोर्ड का लुक बढ़िया लग रहा है, डिसेंट लुक आपको यहाँ पे लग रहा है, फुल्ली ब्लैक फिनिशिंग में आपको यहाँ पे मिल रही है। और ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पे रियर में भी अवेलेबल हो जाती है, और इधर साइड में आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, पर एसेसरी हुक आपको यहाँ पे नहीं मिलती। खैर वो सेकेंडरी हो जाता है, सेकेंडरी फीचर हो जाते हैं, पर एसेसरी आपको हुक नहीं मिलने वाली है। और एक चीज़ बता दें, रियर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाइस 2 मिलने वाली हैं, और मिड में आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। पर वहीं बात करूँ सीट बेल्ट की, 3 पॉइंट आपको यहाँ पे सीट बेल्ट अवेलेबल हो जाती है। सो गाइस ये तो था इंटीरियर एक्सटीरियर, अब चलते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन पे, वहाँ जाके बात करते हैं क्या कुछ पावर एंड टॉर्क गाड़ी जनरेट करती है। सो लेट्स गो। अगर मैं बात करूँ स्विफ्ट के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों इंजन की सीरीज ही चेंज कर दी गई है। पहले वाली स्विफ्ट में आती थी के सीरीज की इंजन, अभी आ रही है जेड सीरीज के इंजन। तो इंजन की बात करूँ तो Z12 इस इंजन है, जो कि 80.4 BHP पावर जनरेट करती है एंड 111.7 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे टॉर्क जनरेट करके देती है। पहले के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा पावर्स एंड टॉर्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इंजन का इंटरफेस दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। एंड वहीं मैं बात कर लूँ मड प्रोटेक्शन की, तो जी हाँ मड प्रोटेक्शन अवेलेबल है, और यहाँ पर देखें तो बोनट भी आपको कवर्ड मिलती है। बहुत सारी गाड़ियाँ होती है यार इससे महंगी महंगी गाड़ियाँ, जिसमें भी ना मड प्रोटेक्शन नहीं मिलता, तो इस स्विफ्ट ZXi में आपको जो है ना मड प्रोटेक्शन मिलने वाली है दोस्तों। सो गाइस ये तो था स्विफ्ट के सेकंड टॉप वेरिएंट का फुल ऑलराउंड रिव्यू। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, ये गाड़ी फीचर्स कैसे लगे, ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।